दोस्तों वंदे मातरम वंदे मातरम। आज हम हिप्पो कॉरपोरेशन के माध्यम से बहादुर जी ठाकुर के यहाँ किल्लोर में आए हुए हैं और इन्होंने हमारे एज ए प्रैक्टिकल के रूप में हमारे हिप्पो का खाद लिया है। हम इनसे ही जानते हैं कि इनको क्या इम्प्रूवमेंट मिला फसल में और ये काफ़ी सालों से फसल कर रहे हैं, तो आज इन्होंने क्या अलग देखा हिप्पो के खाद में। जी सर। जी भैया, भैया बिचोली उक्कम सिंह जी ठाकुर साहब से मैंने मुलाकात करी, उन्होंने मेरे को सजेस्ट दिया कि भैया एक बार इसको प्रैक्टिकल करो, और मैंने लगभग 20 बीघे के प्याज लगाए हैं। अभी प्याज में डाला नहीं है मैंने, प्रैक्टिकल के हिसाब से आलू में इस्तेमाल किया है। और आलू की आप वेराइटी देखो, कलर देखो, और जो इस पर चिकनापन है वो काफ़ी बेहतर है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा रिजल्ट। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, एक बार इसको ज़्यादा नहीं तो कम से कम मात्रा में एक बार डाल के देखें। ठाकुर साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? आपने कौन सा खाद डाले भैया? हिप्पो कॉरपोरेशन जी और DOP जी 50 किलो का बैग में। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि भैया आप प्रैक्टिकल करके देखो, पेना इसका बाद आप 20 बीघा 25 बीघा में जाना है, तो हमारा कहना से नहीं, अपना आपका अंदर एक विश्वास होना चाहिए। नहीं भैया, बहुत अच्छा रिजल्ट है इको। हमारा पास 100 कट्टा को बोवार हो है, जिसमें मैंने 125 बीघा का इसमें अभी इस्तेमाल करी हो है। कितना रोज हो गया भैया ये करिया के? डालिया के लगभग 10 दिन हुआ है। 10 दिन जी। और वो आलू और इना आलू में जो कलर और जो की पत्ता खुलने की क्षमता बहुत बेहतर है और अच्छी हाइट ग्रोथ भी बराबर अपने लगे कि जो एक्चुअल जो अपने अदर आज तक जो डालता ही रहा था, उससे बढ़िया कम से कम उसका बराबर तो है, उससे बेहतर है। चलो धन्यवाद।